अस्सलाम वालेकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको कीमा मटर आलू बनाना सिखाऊंगी। मटन के अंदर बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। उसके लिए मैंने मटन का कीमा ले लिया है, आधा किलो के करीब मटन का कीमा। ये दो अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, स्लाइस में कटा हुआ अदरक लिया है, हरी मिर्ची और हरा धनिया है, हल्दी हाफ टी स्पून है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, साबुत गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब लिया है, इसके अंदर दालचीनी है, हाफ टी स्पून जीरा है और थोड़ी सी काली मिर्ची है, हाफ टी स्पून नमक लिया है मैंने, 2 टीस्पून भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 कप मैंने ऑयल का लिया है, 2 अदद मैंने आलू स्लाइस में कटे हुए, बिल्कुल स्लाइस में कटे हुए आलू लिए हैं, मटर वो लिए हैं मैंने सेव किए हुए, जो मैंने आपको सेव करने का तरीका बताया था रेसिपी में वही मटर हैं ये, इसमें से मैं हाफ मटर लूँगी। पैन में मैंने प्याज शामिल किया है, मटन का बिल्कुल मशीन का कीमा है मटन का, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा, इसलिए मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। बास कीमे होता है जो, अगर आप भी इसको बीफ के अंदर बनाएंगे तो कीमा ज़रा गलने के अंदर थोड़ा सा देर लगती है, ये मटन में है तो ये जल्दी गल जाएगा कीमा। कप मैंने ऑयल का लिया था वो शामिल कर दिया, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, ऑयल में बना रही हूँ। प्याज लाइट सा ब्राउन हो गया है, अब मैं इसके अंदर लहसुन और साबुत गर्म मसाला जो था मैंने वो डाल दिए, इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। हमने कीमा शामिल कर दिया इसमें, और इसके अंदर मैंने आपको बताना भूल गई थी, इसके अंदर मैंने 1 अदद टमाटर लेके वो भी शामिल करना है, टमाटरों का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया, मिक्स करेंगे। कीमा भी मिक्स हो गया, इसमें आलू डालूंगी, बिस्मिल्लाह। मैंने इसको मिक्स कर लिया, आलू भी अच्छे तरीके से घी में होंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। मैंने हल्दी पाउडर डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर, नमक मिक्स करेंगे, और इसमें मैं मटर शामिल करूँगी। मटर शामिल करके इसको मैं हल्के फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम के 15 से 20 मिनट तक दमते रखूंगी। क्या चीज़ें शामिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 कप के करीब मैंने मटर लिए हैं, और ये मैंने 1 कप के करीब मटर शामिल कर दिए इसमें। मैं इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं शामिल करूँगी, बस स्लो फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी। तकरीबन 30 मिनट्स हो गए, और ये देखिए हमारा जो कीमा आलू मटर है बहुत ही अच्छे तरीके से दम के अंदर ही हुआ है। इसमें मैंने कोई पानी नहीं शामिल किया था, सिर्फ टमाटरों का पेस्ट था, लहसुन का पेस्ट था, और हमारा कीमा आलू मटर ये देखिए तैयार है। अब इसके अंदर कितनी प्यारी नाइस सी रंगत आई है, और बहुत ही खूबसूरत। काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें मैंने ली हैं, और इसके ऊपर मैंने कट लगा लिया हरी मिर्चों में, और ये कट लगा के इसमें हरी मिर्चों का टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्टी। हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कीमा आलू मटर हमारा तैयार है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार किस्म का कीमा आलू मटर हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।